हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। CGPSC ई पाठशाला में आज से हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम। आप में से बहुत से स्टूडेंट काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि सर, जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो सीरीज को कवर करा रहे हैं, उसी प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का भी वीडियो सीरीज लेकर के आए। तो आज से हम शुरू कर है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वीडियो सीरीज। अभी तो आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे जून महीने के करंट अफेयर को मैं एक साथ कवर कराऊंगा, लेकिन अगले बार से यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का आएगा, वो 15 डेज के 15 दिन के गैप में हम अपलोड करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में बताने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसे मंथ के एंड में अगर हम अपलोड करेंगे तो बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और वीडियो भी काफी लंबा बनेगा। तो प्लानिंग यह है कि आपके 15 डेज के गैप में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का एक वीडियो सीरीज और 16 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक का दूसरा वीडियो सीरीज, तो टोटल दो पार्ट में एक महीने के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। और रही बात आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जिस प्रकार से इसका वीडियो आता था, उसी प्रकार से इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, यानी कि पूरे महीने का एक साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। आज आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जून 2024 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, 4-5 दिन के गैप में आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2024 का वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनते और समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या। ये रामसर साइट्स है क्या, पहले ये समझ लीजिए। रामसर साइट्स में ऐसे वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, रामसर साइट्स में ऐसे वेटलैंड को शामिल किया जाता है जहां की जमीन नम हो यानी कि आर्द्र हो और वहां बारिश के समय पानी जमा होता हो। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में रामसर कन्वेक्शन को शुरू किया था, रामसर कन्वेक्शन या रामसर सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है जहां पर पहला सम्मेलन हुआ था। रामसर साइट्स में शामिल होने पर उस जगह को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि प्रथम रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, तो ईरान के रामसर शहर में। प्रथम रामसर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। लेटेस्ट क्वेश्चन, जून 2024 तक की स्थिति में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 82। अभी भारत ने बिहार के दो पक्षी अभ्यारण्य, एक नागी और दूसरा नकटी को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया है, जिसके साथ अब हमारे भारत में इस रामसर साइट्स की कुल संख्या हो गई है 82। भारत सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की लिस्ट में अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत संयुक्त रूप से चीन के साथ थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। सर्वाधिक रामसर साइट्स की संख्या की सूची में हमारा भारत थर्ड पोजीशन पर है चाइना के साथ। पहले नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड की संख्या यूनाइटेड किंगडम में है। सेकेंड नंबर पर 144 वेटलैंड के साथ दूसरे नंबर पर है आपका मैक्सिको। देश में रामसर साइट्स की यानी कि भारत में रामसर साइट्स का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा जाए, तो 13.32 लाख हेक्टेयर है जून 2024 तक की स्थिति में। ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है कि जून 2023 तक की स्थिति में या वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो अभी याद रखिए कि जून 2024 तक की स्थिति में भारत में रामसर साइट्स की संख्या 82 है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी चेंज हो जाए, फिलहाल याद रखिए कितनी संख्या है, टोटल 82 है। और भारत रामसर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की लिस्ट में दुनिया में कौन से नंबर पर है, थर्ड पोजीशन पर है चाइना के साथ संयुक्त रूप से जून 2024 तक की स्थिति में। रामसर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 में हुआ था और ये जो यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया गया और प्रथम सम्मेलन ईरान में हुआ था। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं रामसर साइट से रिलेटेड। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ मां अभियान के नाम से शुरुआत किया गया। इस अभियान की शुरुआत कब हुई पूछा जाए, तो 5 जून को हुई और
इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल के पेड़ का पौधा लगाया गया, यानी कि इस अभियान की जो शुरुआत है, इन्होंने पीपल के पेड़ के पौधे को लगा करके इस अभियान की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, दुनिया के लोग आने वाले दिनों में अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में एक पेड़ जरूर लगाए। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान कंडीशन चल रहा है, अभी समर सीजन आपका गया है, अभी ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर कितना हाई था आप सभी को पता है, तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए अभी पेड़ लगाना काफ़ी जरूरी हो चुका है। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान की शुरुआत की गई विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को। अब दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में इन्होंने पीपल का पेड़ लगाया, इन्होंने जो है पीपल के पेड़ को लगा करके इस अभियान की शुरुआत की। ये जो इस साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका विषय था, उसका थीम था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये इस साल मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था। सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए वैश्विक मेजबान है। हर साल जो है इस विश्व पर्यावरण दिवस के समय आपके किसी न किसी देश को मेजबान बनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए वैश्विक मेजबान देश कौन सा है पूछा जाएगा, तो वो है आपका सऊदी अरब। ये सारे आपके हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस अभियान की शुरुआत किस तिथि को हुई, किस स्थान से हुई, कौन सा पेड़ लगाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था और मेजबान देश कौन है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा। यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्रदान किया है कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर का दर्जा प्रदान किया है। कोझिकोड जो कि अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है, केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड में हर साल केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इससे पहले जो है कालीकट के नाम से जाना जाता था। जो कोझिकोड जो शहर है, इस कोझिकोड शहर का प्राचीन नाम है कालीकट। इतिहास में आप पढ़े होंगे कालीकट जो है इस कोझिकोड का प्राचीन नाम था। कोझिकोड का नाम कोइल कोटा, जिसका मतलब होता है किला से लिया गया है, जिसका मतलब किले बंद महल से है। पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1948 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है कप्पड़गांव, कालीकट पहुंचा था। इसको भी याद रखना, ये आपके इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। ये जो कोझिकोड शहर है, जिसे वर्तमान में यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य के शहर का दर्जा दिया है, तो इससे याद रखना कि इससे जो है आपका इंडियन हिस्ट्री का भी टॉपिक याद रखना कि पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा वर्ष 1948 को भारत के पश्चिमी तट केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा किसे प्रदान किया, तो कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में शामिल हुआ स्मृति वन गुजरात। गुजरात का ये जो स्मृति वन है, इस गुजरात के स्मृति वन को यूनेस्को ने 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की सूची में शामिल किया है। गुजरात के कच्छ में जनवरी 2001 को एक विनाशकारी भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में जो आपके जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन पीड़ितों के याद में इस स्मृति वन को बनाया गया है। स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिंस वर्साइलिस पुरस्कार प्रदान किया। ये जो स्मृति वन जो है, इस स्मृति वन को कच्छ में जो जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप आया था, उन पीड़ितों की याद में, उनकी स्मृति में इसे बनाया गया है। और इसी स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार दिया है। इसे दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय भी घोषित किया गया है। देखिए, दुनिया में 7 अजूबे तो है, अब इसके साथ याद रखना है कि 7वां सबसे खूबसूरत संग्रहालय कौन सा है पूछा जाएगा, तो दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत संग्रहालय यूनेस्को का कौन सा है, स्मृति वन गुजरात। ठीक है,
इस सूची में देश का यह पहला स्मारक है। यूनेस्को के सबसे सुंदर संग्रहालय की सूची में यह हमारा देश का पहला स्थान है। यूनेस्को आर्किटेक्चर और डिजाइन को लेकर हर साल यह पुरस्कार देता है। कच्छ के भुजिया डूंगर पर्वत पर बने इस संग्रहालय, ये जो संग्रहालय है ये गुजरात के कच्छ के भुजिया डूंगर पर्वत के ऊपर बना हुआ है। इस संग्रहालय में 11,000 भूकंप पीड़ितों की पूरी डिटेल दी है, यानी कि जो भूकंप पीड़ित थे उनके नाम का पूरा डिटेल दिया है। इस म्यूजियम में दुनिया का सबसे बड़ा मियाकावी जंगल भी है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से जो पेड़ पौधे विकसित किए गए हैं उसे उसकी एक टेक्निक है मियाकावी। तो दुनिया का सबसे बड़ा मियाकावी जंगल भी इसी स्मृति वन संग्रहालय के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शपथ किस तिथि को ग्रहण किया गया, तो 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण किया। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पहला चीज तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम चार बार भारत के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी भारत में लगातार चार बार, ठीक है, भारत में जो है वो चार बार, चार कार्यकाल के लिए वो प्रधानमंत्री बनी थी, और लगातार तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद दूसरे व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है तीन बार लगातार तीन कार्यकाल के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और चार बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्री, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 71 कैबिनेट मंत्रियों को, मंत्रिमंडल को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, द्वारा 16वीं लोकसभा 2014-19 में बहुमत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। इनका ये तीसरा कार्यकाल है। सबसे पहले इन्होंने 16वीं लोकसभा में, अभी की जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की है, वो 18वें नंबर की है, 18वें नंबर की लोकसभा है। 16वें नंबर की लोकसभा में 2014 से 19 के टाइम पीरियड में वो पहली बार प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण किए थे। 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और अभी है 18वीं लोकसभा, इन ये तीन कार्यकाल में, इस तीन लगातार आपके लोकसभा में ये भारत के प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण किए हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार में 72 मंत्रियों ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी सहित, यहां पर 71 मंत्री लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के 72 मंत्रियों सहित जो है, 72 मंत्रियों प्रधानमंत्री सहित में से 7 महिला मंत्री है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल है उसमें महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो 7। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वीं लोकसभा में मोदी कैबिनेट में या केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है आपकी 7। इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी अनुच्छेद 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहां पर जो आपके 72 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित जो 72 मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद है उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ठीक है, देखिए मोदी के शपथ ग्रहण में आएंगे 7 देशों के लीडर्स। ये 7 देश के जो लीडर्स है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कौन कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति काफी कॉन्ट्रोवर्सी में थे अभी इस 2024 में, ये है आपके मोहम्मद मुइजू। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपका सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ। भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोबगे। आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति आए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं, भूटान के प्रधानमंत्री शेलेल्स के आपके उपराष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति शामिल हुए। टोटल 7 देशों के लीडर्स शामिल हुए थे। ठीक, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। हमारे इस 18वीं जो लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे भर्तृहरि महताब। इन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। नवगठित 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है ये 24 जून 2024 को हुआ। ठीक है, 24 जून 2024 को इस आपके 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का कोई भी उल्लेख नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्य प्रणाली हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का कोई भी उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यप्रणाली हैंडबुक पर जो है इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नवनिर्वाचित सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह एक परंपरा मात्र है। जरूरी नहीं कि इसी आधार पर ही आपका प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए। जो प्रक्रिया क्या होती है, लोकसभा में जो आपके नव निर्वाचित जो सदस्य पहुंचे हैं उसमें जो वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम का मतलब आयु के आधार पर नहीं, उम्र के आधार पर नहीं, किसने सबसे ज्यादा बार जो है लोकसभा चुनाव जीता है यानी कि सांसद बना हुआ है, यह है आपका वरिष्ठता का आधार। उस आधार पर जो है आपका ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इस बार काफी कंट्रोवर्सी में भी था कि वरिष्ठ जो आपके वरिष्ठ नव निर्वाचित सांसद को सांसद का जो लिस्ट बनाया गया था उसमें एक और व्यक्ति का नाम शामिल हो रहा था, लेकिन बनाया गया किसे? इन भर्तृहरि महताब को। ठीक है, इस कारण यहां पे लिखा हुआ है कि यह परंपरा मात्र है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस बार काफी कंट्रोवर्सी में रहा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है। संविधान की इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, यानी कि आपका कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 95(1) है ये कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि जब जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, और संविधान के इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान के
तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है, प्रोटेम स्पीकर का पहला काम होता है नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का दूसरा काम होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। जिस दिन नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेंगे उसी समय प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह प्रोटेम स्पीकर का मेन काम होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी को इस 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के उम्मीदवार ओम बिड़ला ध्वनिमत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी, उनके उम्मीदवार थे के सुरेश। ठीक है, NDA और आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया अलायंस और आपका NDA अलायंस। तो NDA के उम्मीदवार थे ओम बिड़ला, जिन्हें ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। इसमें चुनाव की मांग की गई थी, लेकिन ध्वनिमत से ओम बिड़ला जी को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन याद रखना कि 18वीं लोकसभा में जो दो आपके गठबंधन है, एक NDA गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन, तो NDA गठबंधन के उम्मीदवार थे ओम बिड़ला और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे आपके के सुरेश। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम ओम बिड़ला जी की बात करें तो ओम बिड़ला जी तीन बार लोकसभा सदस्य रहे। ओम बिड़ला 2014, 19 और 24 लगातार तीन कार्यकाल के लिए लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वर्ष 2019 में ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए लगातार दो कार्यकाल के लिए। वे दो बार लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाले पांचवें व्यक्ति होंगे। इससे पहले अब तक टोटल पांच व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आपके लगातार दो बार लोकसभा की अध्यक्षता की है। M.A. अयंगर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़, G.M.C. बलयोगी, ये पांच व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले यानी कि आपके ओम बिड़ला से पहले पांचवें व्यक्ति तो आपके ओम बिड़ला जी है। इनसे पहले चार व्यक्ति कौन कौन से, M.A. अयंगर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़, G.M.C. बालयोगी, ये इनसे पहले चार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकसभा की दो बार अध्यक्षता की है। पांचवें व्यक्ति बने हैं आपके ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93, ठीक है, इसको भी याद करते हुए चलना क्योंकि इस साल चुनाव हुआ है तो अनुच्छेदों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा सदस्यों को सदन के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत का अर्थ होता है मतदान के समय सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत। सदन में जितने सदस्य उपस्थित है उनका बहुमत, यह कहलाता है साधारण बहुमत। तो आपके संसद के लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर होता है, साधारण बहुमत के आधार पर होता है। और ये चुनाव का उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 93 बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसमें बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 93 में। और ये किस प्रकार से चुने जाते हैं, साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से जो है आपका चुनाव होता है। तो ये इस अनुच्छेद को भी याद रखना। ये है आपके ओम बिड़ला और ये जो ऑपोजिशन के थे आपके के सुरेश, ये दोनों यहां पर इनका इमेज में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई, यहां पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। इन पांच सदस्यों को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक वैश्विक निकाय है। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, और आपकी सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए एक वैश्विक संस्था है। इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। और प्रतिवर्ष
पांच अस्थायी सदस्यों का अगले दो साल के कार्यकाल के लिए उनका चयन होता है। जैसे अभी 2024 में ये पांच चुने गए और इनका कार्यकाल अगले दो साल के लिए होगा, वैसे ही 2025 में और पांच अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे, उनका कार्यकाल और अगले पांच साल के लिए अगले दो साल के लिए होगा। यानी कि चुनाव देखिए टोटल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10। हर साल जो है पांच सदस्य नए चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल अगले दो साल के लिए होता है, ठीक है। तो संयुक्त आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है पांच और अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, ठीक। पांच स्थायी सदस्य जिन्हें P5 के रूप में जाना जाता है, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA, रूस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल है। सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 को हुई। मेंस में आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है, मेंस के सिलेबस में है आपका ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इसको याद रखना। टोटल कितने देशों को शामिल किया गया, डेनमार्क, ग्रीस, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पनामा और सोमालिया को शामिल किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में वापस मिलेगी 500 साल पुरानी मूर्ति। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनल जांच के बाद भारत के 500 साल पुरानी कांसे की मूर्ति को वापस लौटाने की घोषणा की है। यह है वो कांसे की मूर्ति। अब यह मूर्ति इतना चर्चा में क्यों रहा, यह मूर्ति संत तिरुमकई अलवर की मूर्ति है जो कि 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुई थी। संत तिरुमकई अलवर दक्षिण भारत के 12वें अलवर संत है, ठीक है, दक्षिण भारत के 12वें अलवर संत है। संत तिरुमकई अलवर की मूर्ति 60 सेंटीमीटर ऊंची है। वर्ष 1967 में डॉक्टर जे आर बेलमोंट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे रखाया था। ये तो चलिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सबूत दिए थे कि ये मूर्ति तमिलनाडु के मंदिर से लाई गई है। तो जो ब्रिटेन जो वापस कर रहा है, ये मूर्ति किन की है, ये मूर्ति तिरुमकई अलवर की है और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन हुआ। ये जो रामोजी राव है, देखिए रामोजी राव एक मीडिया पर्सनैलिटी तथा रामोजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। रामोजी राव, इनका जो है निधन हुआ, ये ईटीवी नेटवर्क, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या गूगल क्रोम में भी सर्च करें कोई भी न्यूज़ आर्टिकल तो ईटीवी का भी आर्टिकल सामने आता है। तो ईटीवी नेटवर्क टेलीविज़न चैनलों के जो है ये रामोजी राव प्रमुख थे और साथ ही साथ तेलुगु न्यूज़पेपर इनाडू को भी ये प्रमुख थे। रामोजी को पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पद्म पुरस्कार की जो है तीन श्रेणियां, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इन्हें वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। रामोजी राव हैदराबाद में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म स्टूडियो का निर्माण इन्होंने करवाया था। रामोजी फिल्म स्टूडियो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो में शामिल है। जो बाहुबली पिक्चर आपने देखा था, उस बाहुबली पिक्चर का जो सेटअप है वो भी वहां पर बना हुआ है। आपका ये जो हैदराबाद में अगर आप जाएंगे तो वहां पर रामोजी फिल्म सिटी है, पूरे बहुत बड़े एरिया में आपका ये बना हुआ है। देखिए रामोजी फिल्म सिटी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के तौर पर शामिल है। जो हैदराबाद में आप सर्च करेंगे ना तो वहां पर रामोजी फिल्म सिटी है और वहीं पर बाहुबली का भी सेट बनाया गया था, बहुत बड़ा है। और बाहुबली इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी कि उसके सेट को आज भी जैसे के वैसे रखा गया है, लोग आज भी उस सेट को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो रामोजी का नाम याद रखिएगा, रामोजी आपके जिनका संबंध मीडिया पर्सनैलिटी तथा रामोजी ग्रुप और ये जो सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियो है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जो स्थित है उसके भी ये आपके उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, सुनील छेत्री ने फुटबॉल से लिया संन्यास। पहला तो चीज यही याद रखना है कि सुनील छेत्री जी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। भारतीय कप्तान थे, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे सुनील छेत्री जी, जिन्होंने संन्यास लिया। 39 वर्षीय सुनील छेत्री कुवैत के खिलाफ करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। ये फुटबॉल टीम के कैप्टन थे और इन्होंने अपना संन्यास कब लिया,
कुवैत के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान, कुवैत को याद रखना, कुवैत के खिलाफ आपका आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान इन्होंने संन्यास लिया। सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत के टॉप गोल स्कोरर है। वे 19 साल के करियर में उन्होंने टोटल 94 गोल इन्होंने किया है। वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के तीसरे एक्टिव प्लेयर है। इन दोनों के नाम से तो आप परिचित होंगे, अगर फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इन दोनों के नाम से आप परिचित होंगे, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा लियोनेल मेसी। ठीक है, ये फुटबॉल की दुनिया में काफी फेमस और काफी एक्टिव प्लेयर है। इन दो के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सुनील छेत्री, जो कि देखिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के तीसरे एक्टिव खिलाड़ी हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जितना क्रिकेट का क्रेज है उतना क्रेज फुटबॉल का नहीं है। बहुत से लोग तो इनका नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस साल इन्होंने अपने फुटबॉल करियर से संन्यास लिया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुनील छेत्री जी का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल के ये कप्तान थे। इन्होंने कुवैत के साथ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। इन्होंने अपने करियर में टोटल 94 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। ठीक है, वो इन्होंने जो है 150 मैच में एक दर्जन ट्रॉफियों के साथ भारतीय फुटबॉल में GOT जिसे यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं। इन्हें वर्ष 2021 में खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, 2019 में पद्मश्री, 2011 में अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला है। इनकी उपलब्धियों को भी एक नज़र में याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है पेन पीटर पुरस्कार 2024, ये प्रदान किया गया है अरुंधति रॉय को। ब्रिटेन लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पीटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पेन पीटर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। अरुंधति को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। बुकर प्राइज मिला था इसलिए ये हाईलाइटेड पर्सनालिटी है, तो इनके उपन्यास को भी याद रखना। वर्ष 1997 में इन्हें जो है पुरस्कार, बुकर पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अभी 2024 में इन्हें ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा इन अरुंधति रॉय को पेन पीटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ISA का 100वां देश बना पराग्वे। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे, इसको याद रखना, पराग्वे जो कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश बना है, यानी कि शामिल होने वाला 100वां देश है। पराग्वे ISA में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। इसे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नवंबर 2025 में पेरिस फ्रांस में COP21 सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2025 में फ्रांस के पेरिस में जो COP21 सम्मेलन हुआ था वहां पे इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था। ISA संस्थापक सम्मेलन है, इसका आयोजन 2018 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में इसका संस्थापक यानी कि स्थापना सम्मेलन आयोजन हुआ था। ये ISA है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा कॉन्सेप्ट क्या है? ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी में 0 डिग्री पर गुजरता है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में गुजरता है आपका कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में गुजरता है आपका मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और 23.5 डिग्री की जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच इस एरिया में सूर्य की रेखा एकदम सीधी लंबवत पड़ती है और यह क्षेत्र काफी गर्म होता है। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश जो है इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, और इन्हीं ही जो है आपके इस ISA ग्रुप में शामिल भी किया जाता है। तो 100वां देश कौन सा शामिल हुआ पूछा जाए तो 100वें देश के रूप में शामिल हुआ है दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये जो इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बदलाव लाना है, इसका मुख्यालय कहां पर है पूछा जाए तो हमारे भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में, जिसे गुड़गांव के नाम से भी आप जानते हैं, वहां पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, फ्रैंक डकवर्थ का निधन। फ्रैंक डकवर्थ 84 वर्षीय फ्रैंक डकवर्थ, जो कि डकवर्थ लुइस ईस्टर्न DLS नियम के सह आविष्कारक थे, DLS मेथड जो कि क्रिकेट में यूज होता है। देखिए,
फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस ने बारिश से प्रभावित क्रिकेट मैचों के परिणाम के लिए डकवर्थ लुइस नियम बनाया था। जब कभी भी जो है कोई मैच होता है, जैसे कि T20 मैच हो गया या फिर आपका 50 ओवर का मैच हो गया, तो 50 ओवर का मैच है लेकिन अगर किसी कारण से उस मैच के दौरान बारिश हो गई, तो इस डकवर्थ लुइस मेथड का उपयोग करके जो टारगेट स्कोर है उसे कम किया जाता है और साथ ही साथ टोटल ओवर को भी कम किया जाता है। ठीक है, ये आपका डकवर्थ लुइस का नियम है। वर्ष 1997 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में इसे लागू किया गया था। 1999 में प्रोफेसर स्टीवन स्टर्न ने इस नियम को डकवर्थ लुइस स्टर्न नाम दिया था। डीएलएस मेथड का इस्तेमाल उन हालातों में किया जाता है जब बारिश या फिर अन्य कारणों की वजह से सीमित ओवर में मैच के रनों को टारगेट को पूरा करना नामुमकिन होता है। अभी आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस T20 वर्ल्ड कप में भी आपका इस बहुत बार डकवर्थ लुइस का भी उपयोग हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना। फ्रैंक डकवर्थ का संबंध, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध क्रिकेट के नियमों से था। नेक्स्ट, नाटो के अगले महासचिव नियुक्त। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, इनका नाम याद रखिएगा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगला महासचिव नियुक्त किया गया है इस नाटो का। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इस नाटो का मुख्यालय है। यह एक सैन्य संगठन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन सहित टोटल 32 सदस्य देश है। अमेरिका और ब्रिटेन, दो बड़े आपके देश, इन दोनों को मिला करके टोटल 32 इसके सदस्य देश है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है, इसमें जो कि 7 मार्च 2024 को हाल ही में इसमें शामिल हुआ। नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करता है तो इसके सदस्य देश उसको उसका जवाब देते हैं। नाटो क्या है, 32 देशों का एक ग्रुप बन चुका है जो कि मुख्य रूप से सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में जिसे आप रशिया, रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया था। अभी ये लास्ट ईयर हाईलाइट में था, रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पीरियड में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन रूस ने किसी प्रकार से जो है यूक्रेन पर इस प्रकार से प्रभुत्व जमाया कि जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन इस नाटो में शामिल भी नहीं हुआ और नाटो के जो आपके सदस्य देश है वो भी इनकी सहायता नहीं किए। जो नाटो के जो सदस्य देश होते हैं, जो टोटल 32 देश का जो समूह है, अगर किसी एक देश के ऊपर भी कोई दूसरा देश हमला करता है तो उसे सभी, वो जो जिस देश ने हमला किया वो इन 32 देशों का दुश्मन बन जाएगा और ये 32 देश मिल करके उस देश के ऊपर आपका आक्रमण यानी कि हमला करेंगे, उस देश के साथ युद्ध करेंगे। तो ये नाटो क्या है, वर्तमान में 32 देशों का एक ग्रुप है, एक सैन्य संगठन है। इनकी अपनी कोई पर्सनल आर्मी नहीं है, लेकिन जब कभी भी किसी इस एक सदस्य देश के ऊपर कोई देश हमला करेगा तो ये मिल करके उसका मुकाबला करेंगे, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को इनका अगला सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, देखिए इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप पढ़े, जिसको फिर से बनाया गया था वर्ष 2010 में, ये नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से इसे जो है इसकी शुरुआत कर दी गई। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नहीं, उसके एक कैंपस का उद्घाटन हुआ है। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS देशों के बीच सहयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई। EAS देशों में 10 एशियान एशियान देशों को मिलकर, कुल एशियन देशों को मिलाकर कुल 18 देश इसमें शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त, गुप्त वंशीय शासक सम्राट कुमारगुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये दुनिया के पहले रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वर्ष 427 ईस्वी की बात हो रही है, उस समय ये क्या था, एक आवासीय विश्वविद्यालय था। प्राचीन समय में इस यूनिवर्सिटी में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया से आए 2000 टीचर्स और लगभग 10,000 स्टूडेंट यहां पे पढ़ा करते थे। नालंदा महाविहार के उत्खनन अवशेष यानी कि
जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये ध्वस्त हो चुका था। इस क्षेत्र में जो उत्खनन कार्य किया जाता है उसे नालंदा महाविहार उत्खनित अवशेष के रूप में इसे जाना जाता है। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, यानी कि जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है उसे 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। प्राचीन जो आपके प्राचीन टाइम पीरियड में पुराने पहले के समय में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ पर जीवन के महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी के तौर पर और एक शिक्षक के रूप में उसने व्यतीत किया। 1199 ईस्वी में तुर्क शासक रहता है जिसका नाम रहता है बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी सारी पुस्तकें थी, इतनी सारी ज्ञान की सामग्री थी कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया तो लगभग 3 महीनों तक यह जो है आपका विश्वविद्यालय है ये लगातार जल रहा था। एक्चुअली में घटनाक्रम ऐसा है कि बख्तियार खिलजी का वो रोग से पीड़ित था, लेकिन वो किसी भारतीय आचार्य से वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। तो बाद में जो है उनके किसी एक मंत्री ने भारतीय आचार्य से आग्रह किया कि बख्तियार खिलजी का इलाज करवाया जाए, लेकिन वो हिंदुस्तान के किसी भी आचार्य से वो इलाज नहीं करवाना चाहता था। तो उस आचार्य ने क्या किया, जो मुस्लिम धर्म में जो प्रमुख ग्रंथ होता है कुरान के पन्नों में उसने औषधि लगा करके दिया और बख्तियार खिलजी को उस आपके कुरान पढ़ने का डेली जो है वो कुरान पढ़ता था। तो जैसे ही वो आपके थूक लगा करके कुरान के पन्नों को पलटते गया तो औषधि उसके शरीर में गया और जिससे वो उसको जो रोग था उस रोग से निदान मिला। बाद में जब उसको यह जानकारी मिली कि भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने उनका किस प्रकार से उसने दिमाग लगा करके औषधि को जो है कुरान के पन्नों में लगा करके उसने उपचार किया, तो वो इससे जो है मतलब ये ज्ञान जो भारत के आचार्यों के पास ये जो ज्ञान मौजूद है उसको उसने तबाह करने का निर्णय लिया और यहाँ पर आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को उसने आग लगा दिया। यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें थी, ऐसा माना जाता है कि जब उसने आग लगाया तो वो आग लगभग 3 महीनों तक जला और यहाँ पर मौजूद जितने भी आपकी पुस्तकें थी वो सभी जलकर खाक हो गए। तो ये एक घटनाक्रम है, इसको भी याद रखना कि बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष पे नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया, तो 1199 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। ये नेक्स्ट है आपका नाविडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है नाविडिया कॉर्प। ये दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इससे पहले दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी थी एप्पल, जो आप आईफोन यूज़ करते हैं। अभी सबसे मूल्यवान कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ गया है आपका एनवीडिया या नाविडिया इसे कहते हैं, ये है आपका एनवीडिया, ठीक है। आपका $3.01 trillion के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान कंपनी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा 472 इंटरनेशनल मैच खेल करके 600 छक्के इन्होंने पूरे किए। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये क्रिस गेल के नाम पे था, 553 जो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है क्रिस गेल, जिन्होंने टोटल आपके 553 छक्के सिक्स लगाए थे। अभी बन गए हैं इंडिया के रोहित शर्मा, जो कि 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इनका नाम याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, 3-4 नाम देगा, क्रिस गेल देगा, शाहिद अफरी देगा, आपका बाबर आजम देगा, रोहित शर्मा देगा, तो याद रखना रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, NPCI का UPI अब पेरू में, पेरू देश ने भी UPI को अपना लिया है। जो आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं वो कहलाता है आपका UPI। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। UPI के फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ एक समझौता किया है। NPCI पेरू में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विकसित करेगा और इस पेरू के शामिल होने के साथ ही अब जो UPI अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, सिंगापुर, मलेशिया, UAE, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरिशस और श्रीलंका में भी UPI एक्टिव है।
टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां बन गया है आपका पेरू। इन देशों में इन देशों ने जो है इस यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया था। इसे भी याद रखना कि यूपीआई कब लॉन्च किया गया था। यूपीआई को जो है 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसे ऑपरेट करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जोशीमठ का नाम अब हो गया ज्योतिर्मठ। ये हाल ही में चर्चा में रहा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलने की मंजूरी दे दी गई है। जोशीमठ को जो है उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। चार धाम में से एक है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है इस जोशीमठ को। मान्यता है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी इलाके में कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान में जो है कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के तपस्या की थी और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतेश्वर महादेव के वजह से इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ कहा गया था और इसका नाम परिवर्तित करके अब जोशीमठ को जो है ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। यह कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव तो हुए, उसी के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के बाद उन राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नाम याद रखना है बस, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। इनका नाम तो याद रखना, क्योंकि नवीन पटनायक जो कि काफ़ी लंबे समय से उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, अब उनके स्थान पर मोहन चरण मांझी जो है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ये है आपके चंद्रबाबू नायडू और इनके चेहरे से आप परिचित होंगे अगर साउथ इंडिया मूवी देखते होंगे तो। ठीक है, साउथ इंडिया की अगर आप मूवी देखने के शौकीन होंगे तो ये एक एक्टर है जिनका नाम है पवन कल्याण, जिन्हें डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, पवन कल्याण और ये है आपके चंद्रबाबू नायडू, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा भारत। 11 जून को स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी देश की घोषणा की है। FIH ने वर्ल्ड कप के लिए भारत को मेजबान देश बनाया है। पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 टीमें शामिल होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत दिसंबर 2024 से होगी। भारत 2013 दिल्ली में, 2016 में लखनऊ और 2021 में भुवनेश्वर में मेजबानी कर चुका है। तो बस याद रखना है कि हॉकी मेंस यानी कि पुरुषों का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका भारत देश। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस फैक्ट है जिसे हम फटाफट कवर करेंगे। हमने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को देख लिया, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष को देख लिया, अब 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए हैं? वो है श्री राहुल गांधी जी। ठीक है, श्री राहुल गांधी जी जो है ये 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो रिक्त था। इस बार 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है पूछा जाए तो श्री राहुल गांधी जी। IB इंटरनेशनल ब्यूरो के डायरेक्टर बनाए गए हैं आपके तपन कुमार डेका। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महासचिव नियुक्त किया गया है IFS, ठीक है, IFS भरत लाल जी को। सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को, जो है भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंडिया रग्बी फुटबॉल यूनियन IRFU का मुख्य कोच, ठीक है, चाहे वो पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, रग्बी फुटबॉल यूनियन का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वेलासे टिकोई सोलोमोनी सेरेवी को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी NSA ये नियुक्त किया गया है अजीत डोभाल जी को, ठीक है, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं विजया भारती सियानी को। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव कौन है? ये है भरत लाल। और इसी आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहा जाता है, इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं विजया भारती सियानी जी।
अब कुछ वन लाइनर फैक्ट है उसे ही फटाफट कवर करते हैं। सरबजोत सिंह ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जर्मनी में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये जो है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ जर्मनी में, उसमें उस शूटिंग यानी कि गोली शूटिंग की जो आपकी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता पूछा जाए तो सरबजोत सिंह ने जो है गोल्ड मेडल जीता। जून 2024 तक की स्थिति में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया है। घरेलू एयरलाइंस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर और चाइना दूसरे नंबर पर है। घरेलू यहां पे क्या बोल रहा है, घरेलू एयरलाइंस मार्केट यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा के मुख्यमंत्री स्टालिन ने होसूर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। तमिलनाडु में ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन कौन सा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है, पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा होसूर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम देख चुके हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को जो है महासचिव बनाया जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का अध्यक्ष बनाया गया है। क्रिकेट प्लेयर को गोल्फ का अध्यक्ष बनाया गया, याद रख लेना, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के फ्रैंक डेकवर्थ का निधन हुआ, इसे हम पढ़ चुके हैं। चीन चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है, जो उसका साउथ पोल है चांद का, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, पूरा अंधकार है, उस हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन चुका है चाइना। चीन के मिशन मून जिसका नाम था Chang'e 6 के री एंट्री मॉड्यूल ने यह सफल कार्य किया है। तो चाइना के आपके मून मिशन का नाम क्या था, Chang'e 6। ठीक है, जिसने चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने में सफलता पाई है और चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है आपका चीन। नाइजीरिया के लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस का फाइनल खेला गया है। भारत के हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। देखिए, खेल वाला चैप्टर भले बोरिंग होता है, लेकिन कभी भी अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको फिर सॉल्व करने में हाथ पैर फूल जाते हैं। कम से कम नाम तो याद रखिए कि जो वर्ल्ड टेबल टेनिस जो खेला गया था उसके फाइनल मैच में गोल्ड मेडल किसने जीता, पुरुष डबल्स टीम में जो है हरमीत देसाई और मानव ठक्कर ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जमताड़ा जिले के कास्ता में कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो कोल ब्लॉक का अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहां पे शुरुआत हो रहा है, झारखंड राज्य के जमताड़ा जिले के कास्ता में। नेक्स्ट, श्रीजा अकुला लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेडर सिंगल्स का खिताब इसने जीता। श्रीजा यह खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। इनका भी नाम याद रखना कि वर्ल्ड टेबल टेनिस में का खिताब किसने जीता, श्रीजा अकुला ने, और यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा फिनलैंड के तुर्क में विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से पूछा जाए तो भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो। वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है। पावर प्ले में क्या होता है, एक ओवर रिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें देखिए एक्चुअली में 27 मीटर अगर आप क्रिकेट ग्राउंड देखे होंगे तो क्रिकेट ग्राउंड में आपको जो ग्रीन कलर का घास है उसमें 2 सर्कल मिलेगा। तो जो शुरू का अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें पावर प्ले शुरू का 6 ओवर होता है और उस पावर प्ले में इस आपके सर्कल के बाहर 27 मीटर का जो यार्ड होता है, ये जो है आपका टोटल 27 मीटर होता है, इसके बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी रह सकते हैं, बाकी खिलाड़ी इसके अंदर रहेंगे और इस पावर प्ले में जो है सर्वाधिक रन भी बनाए जाते हैं। तो वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा 92 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कल्पक्कम के डायरेक्टर बनाए गए हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जिनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े, जिनका हाल ही में बेंगलोर में निधन हो गया है, ये जो है जो हमारा पहला चंद्रयान मिशन था अक्टूबर 2008 में, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को जो पहला चंद्रयान मिशन भेजा गया था, उस चंद्रयान वन मिशन के ये डायरेक्टर थे। तो चंद्रयान मिशन वन के डायरेक्टर का नाम क्या था? श्रीनिवास हेगड़े, जिनका हाल ही में निधन हुआ। भारतीय घुड़सवार महासंघ ने श्रुति वोरा को 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने की जानकारी दी। श्रुति ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार है। तो श्रुति वोरा का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से इनका संबंध है, ठीक है। इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच मिल गया है। इस मानव रहित ड्रोन का निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्री ने किया है। नागास्त्र क्या है पूछा जाएगा, तो नागास्त्र एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, भारत में निर्मित स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है जो कि मानव रहित है, ठीक है। मानव से इसे कोई आदमी उसमें बैठ करके चलाता नहीं है, मानव रहित ड्रोन है जो कि एक आत्मघाती ड्रोन है, जिसका नाम क्या है आपका? नागास्त्र। प्रश्न पूछा जाएगा भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका नागास्त्र। नेक्स्ट, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति आएगा यहां। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपके क्लॉडिया शेनबॉम। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ठीक। यूरोपीय फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल मैच हुआ, इसमें स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UCL चैंपियनशिप जीता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चांदीपुर उड़ीसा में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT, अब जिसका नाम दिया गया है अभ्यास, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये थे जून 2024 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में ना, अगर कुछ फेमस प्लेस है तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। जैसे कोई नई, जैसे आपके प्रधानमंत्री ने किसी नई योजना को शुरुआत किया, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन वहीं अगर कोई आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हो रही है, भारत में किसी प्रमुख पद पर नियुक्ति हो रही है, भारत में अगर किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, तो वो बोरिंग टॉपिक बन जाता है। तो टॉपिक को बोरिंग मत बनाने दीजिएगा, केवल सेलेक्टेड चीज ही मैंने यहां पर बताया है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितना फैक्ट बताया, देखिए आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ जो इंडियन GS में जो आपके टॉपिक यूज हो सकते हैं उसको भी मैंने लेते हुए चला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को बताते हुए चला है, नाटो में उसका मुख्यालय बताते हुए चला है, उनका गठन कब हुआ ये बताते हुए चला है, आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में डिटेलिंग बताया है। तो उन सब पे भी थोड़ा नजर रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये नेशनल इंटरनेशनल वीडियो सीरीज कैसा लगा इसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए।